सो यू भाई लोग कैसे हो? आज की इस वाली वीडियो में हम खेलने वाले हैं दोबारा से वही देसी GTA 5। और हम इस गेम में जल्दी से आज हम वर्सेस करने वाले हैं हायाबुसा वर्सेस क्या कहते हैं हायाबुसा वर्सेस इंडस्ट्री। जल्दी से बाहर निकलते हैं, ख़त्म को उड़ाते हैं। पहले जल्दी से ख़त्म को उड़ाएंगे, पहले हायाबुसा वायाबुसा को छोड़ो, ख़त्म को उड़ाना ही हमारा है टारगेट। अब हायाबुसा से पूरा चलेंगे वहाँ तक जल्दी। नहीं यार हायाबुसा इतनी फास्ट नहीं लगती जितनी थार है, थार को मंगाते हैं। 9090 थार को मंगा लिया है गाइस, और जल्दी से थार में बैठते हैं। और थार को तो रौना देता हूँ मैं, आपको पता ही है थार नहीं बचती मेरे रास्ते। जल्दी से मंगाते हैं थार को। फुल आरपीएम खींच दिया था भाई मैंने, जल्दी से फुल आरपीएम के साथ थार अपनी भागेगी। किट्टू सी किट्टू थार है भाई अपनी किट्टू भाई। ये यार ये पूरी बुद्धि खोल दिया थार की इन लोगों ने, इन लोगों के पता नहीं कौन है यार। पीछे से भी खुल गई थार, आगे से भी खुल गई, जाने कहाँ कहाँ से खुलेगी। अब फुल स्पीड में जाऊँगा, फुल स्पीड में जाऊँगा। कोई रोक के ना भाई, काफ़ी तेज़ जा रही है अपनी गाड़ी। हम भाई एक काली का ट्रैक मिल गया, मुझे पता था। जल्दी से थारी मंगाएंगे हम दोबारा से। नहीं यार वो वाली मंगाते हैं यार, गोस्ट राइडर वाली बाइक मंगाते हैं, उससे अगर छुपेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोस्ट राइडर वाली बाइक आ चुकी है अपनी, गोस्ट राइडर से अगर गिरे तो दूसरी बाइक हाजिर हो जाएगी हमारे सामने। गोस्ट राइडर जल्दी से वो पहन हेलमेट। गोस्ट राइडर वाली बाइक से हमने हेलमेट निकाल के पहन लिया। आप जल्दी से फुल स्पीड में पहुँचते हैं, आपको मिलते हैं भाई लोग लोकेशन पे। और ये गाइस हम अपनी वैगनआर के अंदर, मैंने सोचा लोकेशन से पहले पहुँचने पे आपको वैगनआर के अंदर का व्यू भी दिखा देते हैं। इसमें सही है यार, इतना आराम से देख लो कितनी स्पीड पे आ रही है। वैसे ये तो बिल्कुल फेक स्पीड है, 180 तो कभी नहीं हो सकती अपनी। चलो आप लोकेशन पे मिलते हैं हम आपको। हम भाई लोग हम नहीं जाएंगे भाई रोड, अब हम जाएंगे भाई एयर। जल्दी से पहुँचते हैं लोकेशन पर। बहुत सेफ लैंडिंग कराई है, जल्दी से अब हम दोनों बाइकें मंगा लेते हैं भाई यार। बहुत भाई यार जल्दी से मंगाते हैं यार। ये क्या यार मैंने कॉल भी नहीं लगाई यार, लगा दी होगी, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। चल भाई लोग मोबाइल गिर गया था हल्का सा, अब कुछ ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा गाइस, तभी कोई स्क्रैच नहीं आया, नहीं तो अब तक फूट गया था मोबाइल। आपके सामने वीडियो भी नहीं होती, कोई ना गाइस ऐसा होता रहता है। अब आ जाइए होगी आपके पास, मोबाइल गिर गया था थोड़ा बहुत गाइस। अबे यार ये मैं अभी मैं ही पकड़ा हूँ, तू तेरी पनौती साले, तू यहाँ क्या कर रहा? चल तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरा जब कुछ काम नहीं करने क्या आया है? बाइक भी उड़ा दी मेरी, रुक जा तेज है तो मैं 147 से भूलूंगा। और कौन आ रहा है? आ बेटा आएगा मत जियो, अयो सकल अयो जरा। तब तक हम दोनों बाइक मंगा लेते हैं गाइस। ये देखना दौड़ ही आएगा मेरे पास मारने के लिए। आ जा बेटा, देख लेंगे तुम्हें, आ जाओ। तब तक हम बाइक मंगा लेते हैं अपनी दोनों। अरे यार 70 क्यों दब गया? 7000 दबाना है भाई। तो कुछ करने भी आया देख के डर गया। हाँ भाई क्या कह रहा हूँ, ये देखो अभी साले चाइनीज देख दूंगा।
अरे बॉडी पे लगती भी है, समझ नहीं आता भाई साहब। ये घूसे में लिटा दिया। ओ भाई वो इतनी देर से इतने मार रहा था, सीधा लेट गया एक घूसे में। तभी तो भाई साहब फ्रैंकलिन ने इतनी बॉडी बनवा रखी है। यार इन्हें भी बुलाते हैं अपने पास दोनों को। तू भी आ भाई, कहाँ लग रही है गोली? हाँ ये तो बक्के आने वाला ही है। अब ये भी आई है, अब देखते हैं गाइस ये क्या कर लेंगी। मेरा यहाँ खड़ा हूँ मैं, दोनों इन दोनों को देखते हैं क्या कर लेंगी। काय बात की मैंने इतनी बॉडी बनवाई है। आइयो एक तो मर ही गया हुआ। अरे एक और मनुष आ रहा है इधर से, रुक गया सही बुला लेते हैं। मनुष नहीं है ये पड़ा आई जी बहुत है। हाँ बहन जी तुम आ गई, मारिए जरा। वो भी आ रहा है पक्के। अब मुक्का दिखाए ना कि ना, हाँ मुझे कॉल कर लें दो ना कि इम्पोर्टेंट। मैं अपनी यार इन लौंडों को अनुष्को और आप पे मार रही हैं। एक इनमें से भाई लोग अनुष्का है भाई साहब। अनुष्का मार रही है मुझे। अनुष्का मार रही है मुझे। तो बहुत देर इनकी मार खाते हुए हम अपनी मार। ओ भाई वास्टेड कर दिया भाई साहब, इतनी देर लगी थी ये जगह ढूंढने में। अब नहीं लूंगा भाई साहब लड़कियों से पंगा। मैंने गन निकाली भाई, ये मुक्के में कहाँ फेंक दिया मुझे भाई। ये लोग जल्दी यार, बहुत लंबी होगी, लोकेशन पर पहुँचते हैं। तो गाइस बहुत देर ढूंढने के बाद हमें दोबारा से कोई एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई है। हम उस चौक पे खड़ी करने वाले हैं। जल्दी से उड़ाते हैं हेलीकॉप्टर को, जल्दी से हेलीकॉप्टर से हमें ढूंढने में 10-20 मिनट लग चुकी हैं गाइस। देखो सिटी कितनी दूर है। अरे हम पीछे क्यों आ रहे हैं, आगे जाना है। आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, चल 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 चल, यही लैंड कराएंगे गाइस। बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हैं यहाँ से। अब जल्दी से वर्सेस करेंगे, अब सीधा कोई टकरना नहीं लगना। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमने इतनी छोटी करवाई थी तब भी। नीचे उतार लेंगे हेलीकॉप्टर को शान से, आन से, वान से, शान से। और बहुत ही अच्छी तरह से ये लैंड होने वाला है। और ये लैंड हो चुका है गाइस। जल्दी से आया भूसा और कावासाकी निंजा S2 मंगाते हैं यार। S2 और कावा क्या H2 और सुजुकी की आया भूसा। अरे चल दोनों खड़े रहने दो, मैं फोड़ूंगा तक नहीं भाई, मैं फोड़ूंगा तक नहीं भाई। लोग आपको आवाज़ की पसाद से प्रॉब्लम आ रही हो, मैं अपने घर में अपनी वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं तो हूँ पागल, इतना गलत कोड डालने के बाद एक कोड सही डाला है, एक डाल दिया 3000 पे यहाँ डालते हैं। 3000 में दोनों चीज़ आ चुकी हैं, जल्दी से अंदर रखते हैं दोनों। अरे अंदर रखते हैं और जल्दी से हम इन दोनों बाइकों को टेस्ट करते हैं बहुत जल्दी। जल्दी दोनों बाइक आ चुकी हैं, कोई हेलमेट भी नहीं लग रहा। हम पहले निंजा S2 का टेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से निंजा S2 ही जीतनी चाहिए। ओ भाई पकड़ ली निंजा S2 ने स्पीड, निंजा S2 ने स्पीड पकड़ ली है। यही है भाई साहब इसकी टॉप स्पीड। भाई ये क्या है, थार से भी तेज नहीं चल रही। थार अपनी सुपर फास्ट है यार, ये तो बिल्कुल टट्टी है। थार से जाऊँ क्या? नहीं जाऊँगा तो इसी से आई लो वापस आया भूसा के पास अपनी। ओ नानी नानी निकाली ए ए मुन्ना भी थोड़ा के टकला ए ए। जल्दी से अपनी आया भूसा उठाते हैं गाइस। आया भूसा उड़ चुकी अपनी, ज़्यादा दूर जाने की कोशिश ना करें। और इसी के साथ अपनी निंजा S2 जीत चुकी है। ऐसे कैसे जीत गई अभी निंजा S2? वो उसका आया भूसा का टेस्ट भी नहीं हुआ। ये फ्रैंकलिन के शस्त्र से कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, कभी ख़त्म हो जाए तो गाइस मुझे बता देना, हमेशा उड़ता रहता है। इसीलिए इसके पीठ की सिक्योरिटी के लिए हमने ऑर्डर कर लेते हैं यहाँ पे एक बैग आता है बहुत अच्छा।
बैग लेते हैं एक, 200 का नहीं 200 का, यस गाइस 200 का बैग ले लिया हमने। और इस लैम्बो वाले को ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, तो ले अभी मंगाऊंगा ना गोस्ट राइडर, सबरी उड़ जाएगी एक ही बार आएगी। अब जल्दी से आया भूसा मंगानी है और जल्दी से टेस्ट करना है दोनों बाइकों का। आया भूसा बीस्ट लगती है पर भाई लोग कुछ भी कहो, देख रहे हो डबल डबल वैलेंसर कितने मस्त लग रहे हैं। आया भूसा भी काफी तेज है, पर निंजा S2 से ज्यादा तेज नहीं है। जल्दी से हम अगर स्टंट के लिए ले चलते हैं इसको, बोरा स्टंट दिख गया हमें, स्टंट पे पास चलते हैं, जो जिसने ज्यादा स्टंट किया वो जीत जाएगा गाइस, सीधी सी बात है। अभी तक तो यही टेस्ट मैंने शामिल किया है इस गेम में और मुझे लगता है उसे इस टेस्ट को पास कर सकती है। अरे यार ये मैंने इधर क्यों लिया, चल जान दे मैं नहीं मांगूंगा वैसे, कौन जाए इतनी दूर, चल ले चलते लेने चलते हैं यार, नहीं तो अभी से हार्ट अटैक आ गया तो अल्लू। जल्दी से उठाते हैं अपनी बाइक और जल्दी से बैठते हैं और जल्दी से करते हैं। इंडिया लिख रखा है इसकी नेम प्लेट पर गाइस, गौर से देखना कभी, इंडिया लिख रखा है भाई लोग। जल्दी से उड़ाते हैं, देखते हैं भाई लोग कैसी रहती है अपनी। आया भूसा ने भाई साहब बहुत ही अच्छी छलांग लगाई है। अगर फ्रैंकलिन बैठा रहा तो जीत गई आया भूसा। चलो फ्रैंकलिन इस जंप में तो बैठा रहा था तो इसी के कारण, अगर निंजा S2 ने इससे लंबी जंप लगा दी और फ्रैंकलिन उस पर बैठा रहा तो इसी के साथ विनर हो जाएगी अपनी H2। जल्दी से H2 को मंगा लेते हैं गाइस। और अगला जो वर्सेस होने वाला है वो रेड कलर की बाइक के साथ और होने वाला है गोस्ट राइडर की बाइक के साथ, और उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि गोस्ट राइडर की एक एबिलिटी है पर उसकी एक भी एबिलिटी नहीं है, बस वो भागती है बहुत तेज। और देखता हूँ मैं बाइक अगर कुछ से अच्छी मिलती है तो मैं उससे अच्छी डाल दूँगा, और इसके साथ बहुत ही अच्छी जंप। मैं अभी कुछ ना रेस छूँगा ना कुछ ना ब्रेक, इसी के साथ हम आसानी से कूद जाएंगे यार, आसानी से गिरेगा। फ्रैंकलिन तो गया मुझे पता थी भाई, दोनों अपने मामले में बराबर है, कहीं निंजा S2 बहुत ही ज़्यादा तेज भागती है और दोनों में टाई हो चुका है गाइस। मेरे हिसाब से जंप वाले कंपटीशन में जीती है अपनी आया भूसा और उसके वाले कंपटीशन में जीती है अपनी निंजा S2। तो बहुत बढ़िया, दोनों बाइकें आपको मिल जाती हैं। और एक तो आप मैंने आज इस गेम के बारे ऐप इन्फो देखी थी तो ये गेम आपकी 180 स्टोरेज घेरता है पूरे मोबाइल की, 180 MB तो ज़्यादा नहीं है गाइस। मैं तो कहता हूँ 200 MB भी इस गेम के लिए बहुत कम है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चलो निकलो।